आप अपने सीट पर बैठिए, सदन को संभाल लीजिए, ये तरीका ठीक नहीं आपका। सवाल सुने नहीं, आवाज ऐसे सुनना पड़ेगा। हल्ला पे हल्ला, चिल्ला चिल्ली, और हमें बस ये लगता है कि ये एक अच्छा विपक्ष नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सदन चलाने दें। डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी बात को ऑपोजिशन को ना कॉन्फिडेंस में लेते हैं और ना ऑपोजिशन की बात को मानते। और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड सर, यू आर अ सीनियर मेंबर। संजय जी बैठी। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इनको खत्म कर दिया, तो अब यही सारी हरकतों से ये लोग अपनी प्रेजेंस को जन्मा रहे हैं और कुछ नहीं। जैसा सोचा जाए वैसा हो जाए तो क्या ही कहने। जैसे मैं सोचता हूँ कि सुबह 6 बजे उठूँ, हाँ, उसके बाद जो है टाइमली ऑफिस आ जाऊँ, टाइमली घर चला जाऊँ, टाइमली सो जाऊँ, और 5 बजे से पहले शाम में खाना खा लूँ, उसके बाद खाना ना खाऊँ, वजन पर थोड़ा कंट्रोल रहे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। सोचा तो ये भी गया था कि संसद सत्र शोर शराबे के बीच चल जाएगी और कुछ काम भी होगा, लेकिन एक हफ्ता तो ऐसा गुजर गया जिसमें शोर शराबा, हंगामा और नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं था। स्पीकर को मंत्री से कहना पड़ गया कि मंत्री जी, शोर तो चलता रहेगा और आपको इसी शोर के बीच सवाल का जवाब देना होगा। लोकसभा में ऐसा क्या हुआ, राहुल और प्रियंका के सामने इंडिया अलायंस के सांसद वेल में आ गए। हुआ तो राज्यसभा में भी काफी कुछ है, इतना कुछ कि विपक्षी सांसदों को सभापति धनखड़ से रिक्वेस्ट करनी पड़ गई कि सर अब तो मान जाइए। कौन माना और कौन रूठ गया, और इन सब मान मनोवल के बीच संसद में जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और आप देख रहे हैं संसद में आज। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा हुआ, और ये लाइन ऐसी हो गई है जिसको मैं हर शो में आकर के बोलता हूं, क्योंकि यही रोज हो रहा है। विपक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि सर एक हफ्ता हो गया है, अब तक हम लोगों के पास मुद्दों पर जो है उस पर बहस नहीं हो रही है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 61, श्री अजय कुमार मंडल। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन का कार्यवाही जो शुरू होता है और वो फिर बंद हो जाता है, लेकिन शोर की वजह से कुछ सुनाई दे नहीं रहा है। कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी के सांसद यदुवीर वाडियार ने पीएम भीम योजना को लेकर सवाल पूछा, लेकिन जवाब देते वक्त मंत्री ने स्पीकर से शिकायत की, उन्हें सवाल सुनाई ही नहीं दिया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सवाल ऐसे ही सुनना पड़ेगा। बीजेपी सांसद ने सवाल फिर दोहराया, जिसका जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने दिया। विपक्ष का शोर खत्म नहीं हुआ और हंगामा करते करते विपक्ष वेल में आ गया। वही अडानी का मुद्दा, संभल का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, वहां से खड़े हो गए। विपक्षी सांसदों के हंगामे में जो आवाज उठाई जा रही थी उसमें वो भी शामिल हुए। देश की जनता चाहती है सदन चले, और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। प्रश्नकाल आपका समय है, देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है, देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रह पूरा करता हूं आप जाएं, मैं आपको हर विषय हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों और संबल हिंसा को लेकर विपक्ष ने फिर से चर्चा की मांग की। हंगामे के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बेंगलुरु एम्स में एक सदस्य
और नेशनल सरोगेसी बोर्ड में दो महिला सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव पेश किया जिसे पारित कर दिया गया है। ये एक जरूरी चीज हुई, पर विपक्ष जो पहले ही वेल में खड़ा था वो अब भी वेल में ही था। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे समेत इंडिया अलायंस के कई सांसद जब वेल से वापस नहीं गए तो लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 2 दिसंबर अब बीच में सैटरडे संडे है तो संसद वैसे भी नहीं चलेगी। सदन नहीं चलेगा आपके कारण, सदन नहीं चलना देश देख रहा है, आपके कारण सदन नहीं चल रहा है ये देश देख रहा है, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो अपने सीट पर जाकर के बैठिए, सदन को चलाइए, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के वक्त जो शांति थी वो 10 मिनट में ही शोर में बदल गई। सभापति धनखड़ राज्यसभा के पटल पर विपक्षी सांसदों की ओर से रखे गए विषयों की लिस्ट पढ़ रहे थे, इतने में दिल्ली में बढ़ते अपराध का मुद्दा सदन में रखा गया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। श्री संजय सिंह हैज डिमांडेड डिस्कशन ओवर इंक्रीज इन क्राइम्स इन दिल्ली एंड श्री नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड नथिंग टेक इट श्री राघव चड्ढा हैज सो डिस्कशन ओवर द Nothing going on record, sir. बैठी. You are a senior member. संजय जी, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल जी ने भी ये मुद्दा उठाया। इन सब के बीच सभापति से विपक्षी सांसद अपने उठाए हुए मुद्दों पर चर्चा की मांग करते रहे और जब बात नहीं मानी तो सांसदों ने आग्रह करते हुए कहा कि सर आप तो मान जाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्षी ओर से शोर बढ़ा तो सभापति धनखड़ जी की नाराजगी और बढ़ी। उन्होंने कहा कि इसकी सराहना नहीं की जा सकती, हम एक बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। बात तो सही है। This cannot be appreciated. I express my deep anguish. I express my nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. I appeal to you. इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 2 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यहाँ भी डब्बा गोल, दोनों सदन छुट्टी पे, भैया हम लोग टैक्स भरे और ये लोग भैया अपना शोरबाजी करें, हल्ला हंगामा करें, काम एक पैसे का ना करें, बाकी सुविधाएं इनको मिलती रहे। शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते ना तो राज्यसभा और ना ही लोकसभा, दोनों ही सदन में कुछ काम नहीं हो पाया है। सदन के अंदर का गतिरोध बाहर भी दिखा। सदन ना चलने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष को और विपक्ष सत्ता पक्ष को दोष देता रहता है। हमें उम्मीद है कि मंडे को हाउस चलेगा और स्पीकर साहब हाउस चलाएंगे और हम लोग की जो भी सभापति में बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दी जाएगी। पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आपको सही में, अगर आप सही अच्छे विपक्ष हैं तो आपको मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, पर ये सुनते ही नहीं है। हल्ला पे हल्ला, चिल्ला चिल्ली और हमें बस ये लगता है कि ये एक अच्छा विपक्ष नहीं है, ये वो विपक्ष नहीं है जो देश के हित में काम करना चाहता है। कोई रुचि नहीं है कि संसद चले, इनका संसदीय प्रणाली पर ही विश्वास नहीं है। वो आप एक बार नहीं बार बार देखते हैं, जब भी विपक्ष जिसका एक अपना रोल है, कोई मुद्दा आता है जो देश के हित में हो या लोगों के सामने रखने वाली बात हो, तो ये कभी उस पर डिस्कशन नहीं चाहते। हम डिमांड करते हैं, हम मांगते हैं, हम डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन ये किसी भी बात को अपोजिशन को ना कॉन्फिडेंस में लेते हैं और ना अपोजिशन की बात को मानते। वेरी वेरी सैड। कितने करोड़ रुपए लगते हैं, समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं और देश को रचना करके आगे बढ़ाना है, उस सब पे रोक लगाना, इस तरह से अवरोध पैदा करना, ये बहुत ही बहुत इस लोकतंत्र में दुखद है।
ये साफ ये लोग क्यों नहीं कहते कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इनको खत्म कर दिया है। तो अब यही सारी हरकतों से ये लोग अपनी प्रेजेंस को जन्मा रहे हैं और कुछ नहीं। संसद के अंदर भले ही कितना ही मतभेद हो, लेकिन सदन के अंदर का मतभेद बाहर आकर मनभेद में नहीं बदलता, और इसकी एक तस्वीर आज फिर आई। सदन संसद की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब संसद भवन के बाहर पहुंचे तो उनका सामना पंजाब से आने वाले कांग्रेस के सांसदों से हुआ। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा बडिंग और सुखविंदर सिंह रंधावा समेत अन्य सांसद हाथों में MSP और किसानों से जुड़े स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के खड़े थे। जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसदों के चेहरे पर मुस्कान की वजह थी क्योंकि आमने सामने आए और नजर मिली, हाथ मिलाए, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ गए। एक ये राजनीतिक नैतिक और राजनीतिक शुचिता की एक तस्वीर थी। जैसी तस्वीर सदन के बाहर से आती है, जितना सहयोग और मेल मिलाप सदन के बाहर सांसद आपस में दिखाते हैं, सदन के अंदर ऐसा नहीं होता। सदन में ये सब खत्म हो जाता है, वहाँ होता है झुटम युद्ध, वहाँ होता है सिर्फ गतिरोध, हंगामा, शोर और भारी नारेबाजी। शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हासिल निलबटे सन्नाटा। इसका जवाब संसद में बैठे लोग और सांसदों को देना चाहिए और दोनों तरफ के, और एक बात ये भी कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष सहयोग करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बीच का रास्ता निकाल के सदन चलाए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्तों में सदन चलेगी, कुछ काम होगा और 2 दिसंबर को जब कार्रवाई शुरू होगी तो हम फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे दिन भर क्या होता है। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, आपके लिए शो लिखा था सुप्रिया ने, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी लिटिल टॉप। शुक्रिया।